बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बड़ी और अहम खबर से आगाह करें कि सियासत के ऐवानों से आजकल ऑडियो और वीडियो की लीक होने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म हाउस से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के ऑडियो क्लिप लीक होता है तो कभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू लीक हो जाती है। इन सब के दौरान मरियम नवाज़ के शोहर कैप्टन सफदर ने भी एक तहलका खेज़ इंकशाफ किया है। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, जल्द इमरान खान की काला बाग रेस्ट हाउस की वीडियो आने वाली है जिसमें वो शलवार पहनकर भागा था, लेकिन इसने सीधी शलवार पहनी थी। हम फिल्में बनाने वाले नहीं हैं, ये प्रोड्यूसर बताएगा कि कब की है। कैप्टन सफदर का बड़ा दावा सामने आ गया। इतनी खतरनाक थी जो इमरान की वीडियो आ जाएगी, जब वो काला बाग एक रेस्ट हाउस से रात को भाग गया, मगर उस वक्त उसको अकल थी, सीधी सलवार पहन के भागा था। नहीं तो वो नवाब ऑफ काला बाग के जो रेस्ट हाउस में मेहमान बन के गए थे, वो जो वीडियो है वो भी शहबाज शरीफ ने की थी। जो हरकतें आप करते रहे पूरी दुनिया में और लॉस एंजलिस से अभी तक जो आपकी वीडियोस बनी हुई हैं कंटेनरों पे, आप क्या करते रहे अंदर बाहर और फिर बाद में बनी गाला में, वो भी शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ को क्या ज़रूरत है, वो तो पाकिस्तान को बचा रहा है। तो तुम तो ऐसे फनकार हो, ऐसे विलन हो जिसकी हर शहर में कोई ना कोई वीडियो है, मगर उस वक्त अकलमान था, जल्दी से सीधी सलवार पहन लेता था। आजकल दूसरी जानब मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सदर एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। नैब मरियम नवाज़ के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। व्यूअर्स, आपके इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।